Now the last speaker is Sri Shanawas Hussain. सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे समय दिया है। ऐसे ये विषय काफी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आज की चर्चा टल गई और आज पूरा दिन सदस्यों को शिक्षा पर बात करने का मौका मिला है। मंत्री जी को भी बहुत अच्छे शब्दों से नवाजा गया है और मुझे उम्मीद है कि जितना सम्मान उनको मिला है, खासकर अपोजिशन बेंच से भी, उसका वो ध्यान रखेंगे। यहाँ तो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने स्थापित की है, उसके लिए बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी मांग रही है और आपने उसको माना है और जम्मू के हित में भारतीय जनता पार्टी हरदम अग्रणी भूमिका निभाती रही है और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि इस सरकार में ही सही आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर दिया है। जम्मू कश्मीर में कुछ भी मिले, देश में किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज नहीं हो सकता है, किसी भी पार्टी को कोई एतराज नहीं हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम हिंदुस्तान का ताज समझते हैं और वहां पर जो भी कदम आप उठाएंगे, पूरा संसद एक स्वर से आपके साथ होगा। लेकिन हम आपके सामने हम आपको सुन रहे थे, इसलिए मुझे लगा ये पक्ष रख देना जरूरी है। आपने काफी तीखे आरोप हम पर लगाए थे, इसलिए मैंने ये जवाब जरूर दिया है। सभापति जी, हमारे यहाँ से बड़े विद्वान बोले हैं। मैं सुबह भी जब जीरो आवर में विक्रमशिला का मुद्दा उठा रहा था और मुझे ये अवसर मिला, तब मैंने अपनी नेता सुषमा स्वराज जी से कहा कि मैं इस विषय पर लास्ट में कुछ ऐड करना चाहता हूं। मैं जो बातें आ गई हैं उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। योगी जी ने और फिर भोला बाबू ने और जो भी वक्ता यहां बोले हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, मैं किसी बात को रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार और जो उत्तर प्रदेश है, जो अन्य राज्य है जहां पर बड़ी आबादी है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, जो बड़े राज्य हैं उनमें स्टूडेंट भी ज्यादा हैं, क्या आप नीति बनाते वक्त में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इतनी बड़ी आबादी, 9 करोड़ की आबादी करीब बिहार में रहती है, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, अगर आप एक या यूनिवर्सिटी देते हैं तो ऊंट के मुंह में जीरा देते हैं। आप बने हैं, कपिल सिब्बल जी ने जब वो शिक्षा मंत्री बने हैं तो बहुत लोगों को इनसे उम्मीद है और उम्मीद है तो फिर उम्मीद पर हम चाहते हैं कि वो खड़े उतरें। और कोई सरकार अगर शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर इस देश को बनाती है, इसमें पूरा कोऑपरेशन, इस पर कोई वाद विवाद हो नहीं सकता, इस पर हम पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम आपके जरिए ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा कहाँ से थी? आज पूरे देश में राज्यों के बारे में बात हो रही है, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? हमारे यहाँ बिहार राज्य अगर आप देख लें, हमारे बिहार के बच्चे कोटा जा रहे हैं पढ़ने, IIT में जा रहे हैं, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, रीजनल फीलिंग के आधार पर उनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। तो हम दिल्ली में आ रहे हैं, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बिहार भी इस देश का भाग है, बिहार को अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। अगर बिहार के लोग शिक्षा, वहां अभी हमारी सरकार आई है, पिछले 15 साल से लालटेन की रोशनी में हम पढ़ रहे थे, तो इसलिए अभी थोड़ा उजाला बिहार में आया है और वहां पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार है, लालटेन की रोशनी में तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत आसान नहीं था, इस वजह से हमें बाहर जाना होता था। आज बिहार के बच्चे नौकरी के लिए नहीं, शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। आप पलायन रोकना चाहते हैं, आप देश के लोगों को, सारे बिहार के लोगों का भी अधिकार है और बिहार की एक बड़ी संस्कृति है नालंदा और विक्रमशिला। बिहार में जब पूरे दुनिया को शिक्षा दी जाती थी तो वो बिहार से दी जाती थी, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। और ये सही है कि नालंदा में नीतीश कुमार जी जब हुकूमत में आए और कई अन्य देशों ने भी मदद करके वहां पर एक्सेलेंस का, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है और वो काम चल रहा है। लेकिन सभापति जी, मैं विक्रमशिला का सांसद हूं और हमारे बगल में सांसद जो निशिकांत जी बैठे हैं, ये विक्रमशिला के निवासी। हम आज आपके जरिए मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां खड़े हुए कि विक्रमशिला के बारे में हमें तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब के बारे में हमारे भोला बाबू ने इतनी तारीफ की है कि समझिए हमने उससे संबंध अपने आप को कर दिया है।
तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, भागलपुर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, कांग्रेस के लोगों को वो शहर अच्छी तरह याद है, वहां पर बदनामी के बहुत से दाग लगे थे, लेकिन 89 में आज भागलपुर से मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, वहां विक्रमशिला है, लेकिन विक्रमशिला में नालंदा में तो बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, लेकिन सभापति जी विक्रमशिला में कंपेटिटिव जो रिलीजन आप ये करें उसमें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषय एक साथ पढ़ाए जाते थे। नालंदा में को अगर तुलना करें तो नालंदा में एक द्वारपाल होते थे, विक्रमशिला में 7 द्वारपाल होते थे, और उसके साथ वहां पर तंत्र की शिक्षा और कई शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह इस विश्वविद्यालय में उस वक्त 108 शिक्षक होते थे, 14,000 से ज्यादा देश के विद्यार्थी होते थे, और पूरे अगर आप इसको देख लें कि पूरे 400 वर्षों तक इस विद्यालय की ज्ञान की रोशनी दुनिया में फैली, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये एक ऐसा हमारा सौभाग्य है कि मैं वहां का सांसद हूं, और वहां से वो जो विक्रमशिला के प्रधानाचार्य थे श्री ज्ञान अतीश दीपांकर जी थे, वो फर्स्ट वाइस चांसलर थे, जिन्होंने तिब्बत जाकर लामा धर्म की स्थापना की, और उसी पीढ़ी से दलाई लामा आते हैं। उन्हीं ज्ञान दीपांकर जी ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और वहां से बौद्ध धर्म जापान, चीन, थाईलैंड, अफगानिस्तान फैला। दीपांकर जी भागलपुर के सबौर के रहने वाले थे, उसी जगह के। अब मैं इसको बहुत समय नहीं लूंगा, मैं विषय को जरा रख दूं, और आज दीपांकर जी वहां के थे, लेकिन आप तिब्बत में चले जाएं तो उनकी चौराहे पर तस्वीर लगी होती। विक्रमशिला के अंदर मैं सुबह 0 आवर में इसको उठा चुका, वहां पर खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद वहां पूरा यूनिवर्सिटी दिख रही है, कोई ध्यान नहीं हो रहा। मैं आपके जरिए एजुकेशन मिनिस्टर साहब से, एचआरडी मिनिस्टर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर नालंदा को आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करके डेवलप कर रहे हैं तो विक्रमशिला से कोई झगड़ा तो आपका है नहीं, और मेरे से तो आपका कोई झगड़ा ऐसा दिखता भी नहीं है, कोई हमसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां पर जब टूरिज्म मिनिस्टर थी अंबिका जी तो इन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन विक्रमशिला में आपने उसमें अगर एयरमार्क कर दिया होता हमें 1 रुपए उसमें नहीं मिले, मतलब वो बौद्ध गया में खर्च हुआ, नालंदा में हुआ, लेकिन विक्रमशिला में नहीं हुआ। मैं आपके जरिए सभापति जी अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार के ध्यान में मैं लाना चाह रहा हूं, मैं इस विषय पर कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से इनके दिमाग में ये बात बैठाना चाहता हूं कि अगर भारत के लोग नालंदा विक्रमशिला पर गर्व करना चाहिए, और विक्रमशिला बिहार के अंदर है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर बिहार को आपने एक दिया उसके लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी विक्रमशिला के अंदर खोलनी चाहिए, वहां पर जमीन उपलब्ध है, और वो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद पूरे दुनिया में उसका नाम होगा। सभापति जी मैं चाइना गया था निर्मला देश पांडे जी के नेतृत्व में, और जब मैं वहां गया और चाइनीज लोगों से बात हुई तो उन्होंने विक्रमशिला के बारे में बहुत जानकारी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार को जरूरत है आपकी मदद की, आप सियासत करना भी चाहते हैं। प्लीज 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 जी, मैं आपके जरिए अनुरोध भी करना कंक्लूड करूंगा ना, आपका धन्यवाद भी करना है, इसलिए इसको 2-1 मिनट और दीजिए आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार में लोग आपकी वाहवाह करें तो कुछ तो काम भी करना होगा, सिर्फ जबानी जमा खर्च से तो कुछ होगा नहीं, बिहार के साथ ऐसे बहुत से अन्याय हो रहे हैं, आप ये काम कीजिए, आपको बहुत यश मिलेगा। मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, पूरा क्रेडिट कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी मंत्री जी को मिलेगा, लेकिन देश को क्रेडिट मिलेगा आपको विक्रमशिला में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलकर भारत के संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है, विनंती भी।